हमें रोकते हैं, पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, क्या गाड़ी है, क्या नाम है। बताऊंगा कुछ सीक्रेट फीचर्स जो टोयोटा ने इसमें डाल रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमने ये एक पीछे खड़ी हुई एस्टीमा जो कि एक टोयोटा की जापानी कार है उसके ऊपर क्या क्या फीचर्स हैं, और ये प्रॉपर एक जापानी कार है जिसके बारे में मैंने आपको एक रिव्यू फीडबैक दिया। और हमारे साथ में अब्दुल सर लेके आए हैं इसको, जो कि बंसल कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड से हैं, तो बहुत दूर से आए हैं। साथ में हमारे कुंदन भाई अंदर की तरफ बैठे हुए हैं कार का पूरा जायज़ा लेते हुए। इसके अंदर कीलेस एंट्री है कार की प्रॉपर, और आज हम इसकी अंदर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो कुंदन भाई क्या सोचा इसके बारे में, क्या बदलोगे इसका? काफ़ी चीज़ें चेंज करेंगे इसको और काफ़ी खूबसूरत बनाएंगे। मतलब इंटीरियर का भी हम ब्लैक देख पा रहे हैं, मैट ब्लैक, और इधर बैच कलर देख पा रहे हैं, तो ये यही रहेगा या कंप्लीट लुक चेंज करना है? कंप्लीट लुक चेंज करेंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारा ये फैब्रिक है, तो ये फैब्रिक वगैरह सब कुछ हटेगा। इसमें मैं देख पा रहा हूँ एयरबैग्स लगे हुए हैं सीट्स के साइड में भी, तो जब हम काम करेंगे इसके ऊपर एयरबैग वगैरह खुलने में कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सारी चीज़ ही उसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब जो भी पूरी डील हुई है, जो सर आए हैं एक एक चीज़ को लेकर ही आए हैं कन्फर्म करके। तो सर ने बताया, सर ने काफ़ी जगह से एस्टिमेट लिया था, देन आपके पास आए, ऐसा क्या बोल दिया आपने? मैंने सर ने मेरा काम देखा कि जो मैं करता हूँ, इनको पता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मुझे हैंड ओवर कर दिया इन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। और सर पर्टिकुलरली कोटा राजस्थान से आए कार ड्राइव करके। दिलीप छावड़िया को भी फेल करने के बाद मैंने ये सोचा कि भैया को ही चुना जाए, क्योंकि मैंने 10-15 दिन से वीडियो देख रहा था, एक से एक गाड़ियाँ बना के डाल रहे थे, मैंने इनके अंदर का लुक देखा। इनकी लुक में जितना नहीं आया जितना इनकी सफाई में मुझे देखा, इनकी सफाई मुझे बहुत अच्छी लगी। फिनिशिंग में जो डाल रहे थे ये लोग इतने अच्छे डाल रहे थे, तो मुझे लगा कि मैंने उदयपुर में भी ट्राई करी थी, मैंने अपने MP में इंदौर में मैंने ट्राई करी थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे दिल्ली ही बेस्ट है और भैया के पास जाना चाहिए। फिर मैंने आपस में बॉस की बात कराई, बॉस भी ने बोला तुम दिल्ली ही चले जाओ। क्या बात है, क्या बात है, इतना भरोसा करने लगे हैं आपके ऊपर लोग, इस बात पे घुसा हो जाए। मेहनत है, मेहनत है, आपने नाम कमाया है, आपने कमाया, मेहनत करते हैं, क्या बात, ढंग से अपनी गाड़ी समझ के बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके इंटीरियर के कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कुंदन भाई आपको तो मोटा मोटा मालूम होगा, मोटा मोटा बेसिक है ना, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ सीक्रेट फीचर्स जो टोयोटा ने इसमें डाल रखे हैं जो आप मानते हो कि किसी दूसरी कार में नहीं है, मुझे वो बताओ। देखो सबसे पहली बात तो ये कि बिना स्टेपनी की कार है ये, 50 किलोमीटर आपके पंचर होने पे चलेगी। अच्छा, स्टेपनी ही नहीं है? हाँ, वो स्टेपनी नहीं है इसमें। हाँ, और ये 50 किलोमीटर पंचर होने के बाद चलेगी, आप कहीं भी वर्कशॉप पे जाके पंचर बना लीजिए, सबसे बड़ी खूबी तो इस गाड़ी के अंदर ये। दूसरी बात है कि सारा सिस्टम इसमें ऑटोमेटिक है, आपको बैठने के बाद खोलने के लिए चलाने के लिए पूरा ऑटोमेटिक है। अच्छा अच्छा, इसमें जैसे चलाओगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कार थोड़ी चला रहा हूँ, मैं तो एक से पानी में एक मतलब वो सिप चला रहा हूँ, इस तरह की इसकी कार की लुक आती है, चलाने में इतना मजा आता है, 120 में इसका पता नहीं पड़ता है। अच्छा, ये बहुत नीची गाड़ी है। हाँ, आपको ऐसा लगेगा ब्रेकर पड़ जाएगी, गड्ढे में अड़ेगी, ऐसा नहीं अड़ता है, सस्पेंशन इसका बहुत बढ़िया दिया हुआ है। क्या बात है, तो ये तो टोयोटा की बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है इस कार के अंदर। ड्राइवर सीट देखिए, इसकी बैक सीट देखिए, इसमें सब में सिस्टम इस तरह का दिया है कि आपको आरामदायक के लिए दिया है, पर फिर भी हमें ऐसा लगा कि हमें महाराजा सीट और थोड़ी सी वो लग्जरी 2013 मॉडल के बाद जो हमने यूज करा, तो अब इसका थोड़ा सा हम लुक चेंज कराने के बाद चलाना चाहते हैं। अब्दुल जी, आपने जैसे मुझे बताया कि आप इसे बेचने का प्लान आउट कर रहे थे आप लोग सभी, तो BMW वगैरह जैसा कुछ प्लान कर रहे थे इससे? तो मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो सेल करके BMW या मर्सिडीज लेते हैं, हाँ, तो वो तो नॉर्मल गाड़ी हो गई, वो तो आम हो गया, जैसे हर गाड़ी हमारी अलग से होती है। हमारे साथ जब जाते हैं तो लोग बाग हमें रोकते हैं, पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, क्या गाड़ी है, क्या नाम है, तो हम बता के हम परेशान हो जाते हैं। क्या बात है, देखो ये होता है जब आप लीग में सबसे अलग हटके चलते हो ना, तो भाई ऐसी कार जो होती है वो रोड किलर होती है पूरी की पूरी, और आपको अलग ही लुक देती है कि बंदे रोक के पूछे आपसे कि कार है कौन सी। इसको वेलफायर मत समझना भाई, ये वेलफायर नहीं है, काफ़ी सारे लोग कहीं से वेलफायर समझे, दिस इज़ वन एंड ओनली इम्पोर्टेड कार विच इज़ एस्टीमा बाय टोयोटा एरिस। तो चलो भाई, बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली, 4 सिलेंडर की कार है ये, 1984 ऑलमोस्ट 2000 cc की कार है ये, और लगभग 2000 cc कैटेगरी की कार है ये, बहुत बढ़िया होती होगी चलाने में। अगर इसका MID भी दिखाऊं आपको, मल्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब कुछ दिखाऊं इस कार को, डोर को खोलते हैं, कीलेस एंट्री है ये इसके अंदर, जब इसको खोलने आते हैं टोयोटा ने बढ़िया अच्छा खासा काम कर रखा है। इधर देख लो भाई, ये सारा कुछ काम स्टॉक है, तो आप आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जब आप इसके शॉट्स देखोगे ये मत सोचना कि कार वैसी की वैसी है। तो अगर इधर की सीट कहूँ तो बहुत बेसिक लग रही है अभी तो देखने में, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ना जाने हम इसका क्या से क्या कर दें।
अगर इसकी छत की बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ बताया सर ने, अब्दुल जी ने, बटन दबाते हैं, ये वाला ऐसे दबाना पड़ता है, ये वाला बटन दबाया तो ये वाला दरवाज़ा खुला, और अगर वो वाला दबाएंगे तो वो वाला दरवाज़ा खुल जाएगा। ये डोर ऑन ऑफ की लाइट्स है, और ये सनग्लास होल्डर जिस जो इसके अंदर, अच्छा शीशा ये पीछे देखने के लिए, रियर व्यू के लिए, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो भाई, छोटा सा फीचर है लेकिन बड़ा हेल्पफुल लग रहा है मेरे को यहाँ देखने में। यहाँ पे आई थिंक लाइट होनी चाहिए, हाँ देखा, इसे खोलते के साथ ही ऊपर की लाइट जल गई। और सब कुछ भाई जापानी में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं इंडियन इंडियन इंग्लिश इंग्लिश में कुछ नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भाई, पीछे से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है, सेंटर कंसोल नहीं है, क्योंकि सीट पर्टिकुलरली अलग है। मैंने दबाया, ये होगी सीट बंद। यहाँ पे एसी के वेंट दे रखे हैं, यहाँ आई थिंक एरी लाइट, और रियर कूलर यहाँ से कंट्रोल होता है। पीछे एक दो, एक लाइट इधर है, तीन चार, और दो वहाँ सेंटर में लाइट्स दे रखी है। कर्टेन एयरबैग पीछे भी है, तो ऑलमोस्ट इस कार के अंदर साइड सीट्स में भी एयरबैग होंगे। आगे की तरफ तो है, जहाँ तक मैंने देख लिया उधर तो है ही है, और सारे SRS लगे हुए हैं इसके अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे इसका जो MID है, तो ऑन करके एक बार चाहूँगा कैसी लगती है। एक बार इंजन जैसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो देखो भाई, पूरे के पूरे जो MID है जल चुकी है। कैसी नज़र आ रही है वो आप खुद देखो। कुंदन भाई जापानी में लिखा रहे 25 की एवरेज दे रही है, ये वाकई में 25 की एवरेज दे रही है। हाँ, मैं गाड़ी में मतलब मैं फुल टैंक करा के चला था, ठीक है, और पूरा दिल्ली आ चुका हूँ, 530 किलोमीटर गाड़ी चला के, ठीक है। तो मुझे भी लग रहा है कि ये 25 का एवरेज दे रही है, 25 के MPL लिखा हुआ है मोटा मोटा, और सर ने बताया फुल टैंक करा के चले थे। और अभी अगर टैंक की कंडीशन की बात करूँ तो हाफ से थोड़ा सा नीचे है। इसके साथ ये जो सोनी लगा हुआ है, ये लगा लगाया था नहीं, ये अलग से लगा है। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट लगाया था। इसके जितने भी यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, ये AC के कंट्रोल्स है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एसी के हैं सारे, ये सब AC के हैं। और इसके बगल में AC के जस्ट इधर की तरफ ऑटो ऑफ, ये सब AC है। इधर की तरफ ये ऑटोमेटिक कार है क्योंकि, तो इसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और मैनुअल शिफ्टिंग है दे ही रखी है। शिफ्ट लॉक, इंजन स्टार्ट ऑन और ऑफ, पैसेंजर सीट बेल्ट के लिए उधर की तरफ इंडिकेशन दे रखा है, इधर सब कुछ दे रखा है कि भाई आपकी कार पार्किंग में, रिवर्स में, न्यूट्रल ड्राइव में, और इंजन स्टार्ट और स्टॉप वहाँ से कंट्रोल हो ही जाता है। कार के अंदर ना कोई एरर है, ना कोई प्रॉब्लम है ना कुंदन भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, सब कुछ ओके है। इसका स्टीयरिंग देखो, देखने में कितना प्यारा है, देखेंगे जब ये पूरी की पूरी कार तैयार होगी, आई थिंक ये पूरा एक प्रॉपर मास्टरपीस होने वाला है सर, बढ़िया बनने वाली है कार। ये हमने बात करी आज इसके इंटीरियर की, तो अब्दुल जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरी की पूरी सीट भी निकल जाती है इसकी, है ना ये, और ये रिमोट से पहले घूम के राइट होगी, फिर ये बाहर निकलेगी, रिमोट से घूम कर पहले राइट होगी, यानी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है, घूमने के बाद ये बाहर निकलेगी और ये उतर जाती है प्रॉपर, बाहर उतरने के बाद इसके दोनों चारों व्हील खुलेंगे, ठीक है, प्लेन की तरह खुलते हैं। तो मतलब इसको उतारने के लिए, ये सब काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक बंदा अलग से चाहिए या कोई बंदा खुद भी कर सकता है इस काम को? अगर किसी को डिसेबिलिटी हो तो वो इस सीट को असेंबल और डिसअसेंबल कर सकता है, आराम से कर सकता है। क्या बात है, क्या कितना सोच के बनाया भाई, पीछे की तरफ ये पूरे कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये बैटरी से अगर नहीं चल रही हो और बैटरी डाउन अगर होगी हो तो ये न्यूट्रल कर दीजिए, ये न्यूट्रल गियर है इसका, अच्छा, ये यहाँ, और पीछे से आप किसी भी धक्का दिला के इसको चला सकते हैं आप। क्या बात है, क्या बात है, तो कोई इसको ऐसे धकेल कर भी चला सकता है क्योंकि इसमें नीचे टायर लगे हुए हैं। तो अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुंदन भाई, हम इस पूरी की पूरी कार के इंटीरियर को डिसअसेंबल करेंगे और उसके बाद एक एक चीज खोलेंगे, इसकी छत वत, पूरी कार को, पूरी ही कार को बना रहे हम, इसी छत नहीं बना रहे, छत से नीचे नीचे बना रहे। अच्छा, तो हम इसके पिलर कर रहे हैं और पूरा नीचे का इंटीरियर कर रहे हैं, सीट्स कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे, पूरी कार को हम देते हैं डिसअसेंबल। एक बार मैं चाहूंगा आप एक ग्लव कंपार्टमेंट खोल के दिखाएंगे, क्या बात है, नीचे वाला भी खुलता है, ये देखो दो तो यहाँ दे रखे हैं, और भी है, एक वहाँ भी दे रखा है, एक उधर की तरफ है, ग्लास का भी दे रखा दिया, ग्लास का यहाँ दे रखा है, बढ़िया बैठ के कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। ये किस चीज के लिए होता है? ये कोई पेपर पर रखने के लिए, पेपर वगैरह कार्ड के लिए। तब तक के लिए उम्मीद है ये हमारा दूसरा पार्ट इस कार के ऊपर आपको पसंद आया होगा, बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसके अगले पार्ट के लिए रहना रेडी, करते इस वीडियो को यहीं कहीं एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चला सकते हो मेरे साथ ऐसे।